वहाँ जिंदगी के कार्यक्रम मंदिर दर्शन के द्वारा आप देश के विभिन्न मंदिरों के दर्शन घर बैठे ही कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा एक तरफ जहाँ देश के महानगर और बड़े बड़े शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन आपने किए हैं, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के गांव और कस्बों के जैन मंदिरों के दर्शन भी आपने किए हैं, जहां जाना प्राय लोगों का संभव नहीं होता है। मंदिर दर्शन के द्वारा कई प्राचीन और भव्य अतिशयकारी मंदिरों के दर्शन भी हमने आपको कराए हैं। इसी क्रम में राजस्थान के कई क्षेत्रों के जैन मंदिरों के दर्शन आपने किए हैं। इसकी अगली कड़ी में वहाँ जिंदगी की 7 सदस्य टीम पहुँची डेह, जो नागौर दिल्ली मुख्य सड़क मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है। आइए नागौर जिले के प्राचीन कस्बे डेह के प्राचीन मंदिरों के हम दर्शन करते हैं और जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। यहाँ पर श्री दिगंबर जैन 13 पंथी मंदिर और श्री दिगंबर जैन 20 पंथी चंद्र प्रभु मंदिर, एक नसिया जी और एक चैत्यालय है। डेह को पहले चंपावती नगरी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ 13 पंथी जैन मंदिर, जहां हमारी टीम का भव्य स्वागत किया गया। जैन मंदिर के दर्शन करने के क्रम में अब मैं पहुंच चुकी हूं राजस्थान के छोटे से कस्बा देह में, जहां है शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं दिगंबर जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास। मंदिर के दर्शन कर हमें आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ। देह में जैन मंदिरों में ये मंदिर मुख्य है, इस मंदिर का इतिहास बताइए। मंदिर बने हुए 85 साल हो गए। ये शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायती डे, इसका मेन मूल नायक भगवान शांतिनाथ है। इस वेदी के अंदर 43 प्रतिमा विराजमान है मंदिर में। और इस मंदिर का सबसे बड़ा ये इतिहास रहा है, जितने भी साधु संत आते हैं वो सब लोग यहाँ दर्शन करके इस मंदिर का धर्म लाभ लेते हैं। और यहाँ से जो निकले हुए हैं, जो साधुएं बनी हैं, वो इतिहास में आज भारतवर्ष में सबसे महान साधुएं आरिका में हैं। जैसे इंदुमती माता जी, विद्यामती माता जी, धरणीमती माता जी, सिद्धमती माता जी, अमरमती माता जी, शरणमती माता जी, धन्यमती माता जी, ये सब माता जी हुए थे। स्वयं सागर जी सुलक हुए थे। मुख्य वेदी पर मूल नायक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजित है, साथ ही साथ भगवान महावीर, आदिनाथ, चंदा प्रभु, मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ समेत अनेक अष्ट धातु और पाषाण की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य वेदी के बगल में एक अन्य वेदी पर भगवान शांतिनाथ और नेमिनाथ भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी प्रकार एक और अन्य वेदी पर मुनि सुब्रतनाथ, वसुपूज्य और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के ऊपर एक विशाल शिखर स्थापित किया गया है, जिसमें कई भगवान की प्रतिमाएं स्थापित है। शिखर के गर्भगृह में एक वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ की एक मनमोहक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बुजुर्ग और असक्षम लोगों की सुविधाओं के लिए एक लिफ्ट भी लगाई गई है। इस छोटे से शहर में लिफ्ट की सुविधा देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए।